हेलो फ्रेंड्स, वीडियो में बात करेंगे दुबई ट्रिप के बारे में। अगर आप दुबई ट्रिप प्लान कर रहे हो तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपको पूरी डिटेल में पता चल जाएगा कि आपको कितना पैसे लगेंगे, कब बेस्ट टाइम होता है जाने का, कौन कौन से एक्सपीरियंसेस करने चाहिए, आप कहाँ कहाँ पे पैसे बचा सकते हो, और कुछ यूनिक एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे जो सीजनैलिटी होता है कि किस सीजन में आप वो जाओगे तो वो एक्सपीरियंस कर सकते हो। देखो, सबसे पहले क्या है कि दुबई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग सिटी है। देखो, बहुत ही रिच है, राइट? चारों तरफ, मतलब जहां भी जाओगे तो वहां पे वेंडिंग मशीन से गोल्ड निकलता है, समझ रहे हो? आप पैसे डाल के वेंडिंग मशीन से गोल्ड लेते हो। फिर दूसरा क्या, अगर आप देखोगे वहां की जो पुलिस है, सबसे कॉस्टली गाड़ी मतलब वो चलाते हैं, राइट? अभी देखोगे बेंटले, एस्टन मार्टिन, पता नहीं क्या क्या चलाते हैं। नॉर्मली आप देखोगे कि वहां पे बहुत सारे इंडियंस और पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, बहुत सारे देसी क्राउड वहां ना पूरा दुबई को चलाती है। मेजरली केरला से भरे हुए लोग हैं जो दुबई को ऑलमोस्ट ड्राइव करते हैं। आपको जैसे लगेगा कि कोई आप इंडियन सिटी में आ गए हो विद सो मच ऑफ वेल्थ, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आप बहुत कम टाइम पे वहां पे कर सकते हो। और अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो रियली आपको मतलब अमेजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। सबसे जो कॉस्टली पार्ट होगा वो होगा आपका फ्लाइट। इंडिया से आप कहीं से भी लोगे, मतलब इजीएस्ट अगर आपको पता करना है कि किस शहर से सबसे चीपेस्ट फ्लाइट आपको मिलेगा, किस टाइम पे चीपेस्ट फ्लाइट मिलेगा, तो आप बेसिकली आप जाओ, एक वेबसाइट है जिसका नाम है स्काई स्कैनर, वहां पे जाओ। स्काई स्कैनर पे जाओगे, स्काई स्कैनर पे आपको बेसिकली आप कंपेयर कर सकते हो कि किस सिटी से आपको दुबई का आना जाना अगर लेना है तो सबसे सस्ता कहाँ पे पड़ेगा। तो नॉर्मली देखो 18 से 25,000 के बीच में आना जाना दुबई का आपको मिल जाता है इंडिया के मेजर सिटीज से। और नॉर्मली अगर आप किसी एजेंट्स को जानते हो जो प्री परचेज फ्लाइट मतलब दुबई का पहले से खरीद के रखते हैं और लास्ट मोमेंट पे बहुत सस्ता ऑफर्स में आप वो फ्लाइट्स आपको देते हैं 8,000-10,000 एक साइड के जाने का, तो आपको 16,000-17,000 लास्ट मोमेंट पे भी सस्ता फ्लाइट मिल सकता है, बशर्ते कि आप किसी जो प्री परचेज वाले को जानते हो। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज रहता है कि आप इंटरनेशनल जा रहे हो तो दुबई का वीजा वन ऑफ द इजीएस्ट वीजा में से है। वीजा आप बहुत जगह से दुबई का ले सकते हो। दुबई का जो मेजर दो कैरियर्स है, जो एयरलाइंस है, उनसे भी आप बेसिकली, जब पहले आपको उसका प्री कंडीशन ये है कि आपका होटल बुक होना चाहिए, आपका फ्लाइट बुक होना चाहिए। अगर ये दोनों आपका बुक है और फिर आप बेसिकली फोटोज और कुछ डॉक्यूमेंट्स और बैंक स्टेटमेंट इसके साथ आप अप्लाई करते हो। एक तरीका है कि आप एयरलाइन के पास डायरेक्टली जा सकते हो, इन जो दुबई के मेजर कैरियर्स हैं दो। दूसरा तरीका है कि आपको बहुत सारे जो बेसिकली ऑथराइज्ड एजेंट्स होते हैं उनसे करवा सकते हो। अब जिस जगह पे भी हो ना इंडिया में, वहां पे आप बेसिकली अपने एजेंट मतलब सर्च कर सकते हो, जस्ट डायल वगैरह वगैरह। लोकली आप गूगल मारोगे तो आपको बहुत सारे लोग दुबई का वीजा देते हुए मिल जाएंगे। 7,000-7,500 रुपए में आपको दुबई का टूरिस्ट वीजा मिल जाता है। अब टूरिस्ट वीजा आपको मिल गया और नॉर्मली जब अप्लाई करने के बाद 3 से 5 वर्किंग डे में जनरली आपको ये वीजा मिल जाता है और बहुत इजीली मिल जाता है ये वीजा। तो आपने टूरिस्ट वीजा दुबई का ले लिया, जाते हैं 3 नाइट से 4 नाइट या 5 नाइट। 5 नाइट बेस्ट है, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 4 नाइट 5 डेज भी करोगे तो बेस्ट ट्रिप आपका रहेगा। तो मैं आपको सारा बजट वगैरह तोड़ के बताता हूँ, फिर वहां पे जो आपका ट्रांसफर्स होगा वो सारी चीजें बताता हूँ कि ट्रांसफर सबसे सस्ता कैसा रहेगा। छोटा सा शहर है जहां पे एकदम कॉम्पैक्ट बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपको सारा मिलेगा। सिंगल हो या कपल हो, फैमिली नहीं हो, तो आप बेस्ट है कि मेट्रो ले लो। वहां पे रेड और ग्रीन लाइन चलती है, वो पूरा मतलब दुबई कवर करता है। देखो, बजट के अनुसार आप दुबई में मैक्स बहुत जगह रह सकते हो, अलग अलग जगह पे। मेजर लोग जो रहते हैं वो है बुरदुबई है, डाउनटाउन है, डेरा है। डेरा मतलब ओल्डर पार्ट है, बुरदुबई भी थोड़ा ओल्डर पार्ट है। देखो, आपके पास अगर बजट है और आप दुनिया के सबसे ऊंचे बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के सामने रहना चाहते हो तो डाउनटाउन में रहो। फिर अगर आप मान लो कि बहुत ज्यादा आपको नाइट लाइफ चाहिए तो मरीना बेस्ट है। तो मरीना मतलब मेट्रो से जाओगे तो लास्ट में आएगा, मतलब तो मरीना चले जाओ। मरीना में भी आप रह सकते हो, मतलब यंग लोगों के लिए तो एकदम मस्त है, हेवन है। तो मरीना चले जाओ, मरीना में आप ठहर सकते हो। मैंने बजट भी रहता है कि जैसे आप बुरदुबई में आपको बहुत सस्ते में होटल्स मिल जाता है, जैसे आप मान लो कि सिटी मैक्स होटल है, इस तरह का होटल अगर आप लोगे ऑफ सीजन में तो आपको 3,000-3,500 में भी मिल जाता है पर नाइट, जिसमें 2 लोग रह सकते हो विद ब्रेकफास्ट। अगर आप थोड़ा टाइम पे जा रहे हो, थोड़े सीजन में जा रहे हो, आपको ये मतलब 5,000-5,500-6,000 तक पड़ेगा पर नाइट। कि booking.com और इन सब पे जाके आप सर्च कर सकते हो, किसी एजेंट को जानते हो जो प्री परचेज होटल रखता है, उनसे भी आपको अच्छा डील मिल जाएगा होटल का। पकड़ के चलो कि मतलब अगर 4,500-5,000 में आपको होटल मिल गया, 3-स्टार होटल या 4-स्टार होटल दुबई का, आप ये देख के चलो कि वहां का 3-स्टार होटल भी इंडिया के 4-स्टार होटल के बराबर होता है। बहुत ही हाई क्वालिटी होटल्स होता है एंड यू विल हैव ग्रेट एक्सपीरियंस। तो मेहमान नवाजी जो वहां पे मिलेगा, ओ दैट विल बी टू गुड। और दुनिया भर के क्राउड आती है,
ये गोरे आते हैं बाहर से, इंडियंस जाते हैं, चाइनीज आते हैं, मतलब अमेजिंग शॉपिंग डेस्टिनेशन है, फन और पूरा उससे भरा हुआ है, राइट। सीजन भी बताता हूँ, सीजन आपका रहता है मतलब सितंबर अक्टूबर से, मैंने अक्टूबर से पकड़ लो कि अक्टूबर से मार्च अप्रैल तक सीजन रहता है। उससे बारिश वारिश बीच के समय में जब इंडिया में बारिश वारिश होता रहता है उस समय आपका वहाँ पे ऑफ सीजन पकड़ो, उस समय आपको मतलब बहुत ही सस्ते में, आगे बताता हूँ प्राइस, बहुत सस्ते में आप बेसिकली मतलब वहाँ का लैंड पैकेज कर सकते, मतलब ज्यादा लोग हो, 3 लोग 2 लोग 4 लोग 5 लोग हो, मैक्सिमम गाड़ियां वहां पे 7 सीटर्स और बड़ी गाड़ियां मिलती हैं, वो आपको सस्ता पड़ता है। एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप भी, मतलब एक ड्रॉप आप अगर 7 लोग हो तो आप 6,500-7,000 5,500-6,000 रुपए में ड्रॉप मिल जाता है पर हेड, मतलब 1,000 रुपए में ड्रॉप हो जाता है किसी भी होटल में अगर आप 6 लोग हो या 7 लोग हो। फिर उसी तरीके से 1,000 रुपए में आपका आना जाना, मतलब एयरपोर्ट से पिकअप ड्रॉप आपका किसी भी होटल में हो जाएगा, मस्त तरीके से आप जा सकते हो। जब भी कहीं पे भी आप ट्रिप जाते हो ना, तो पूरे दिन को 2 पार्ट में तोड़ो, हाफ पार्ट में, लाइक फर्स्ट पार्ट, मतलब कहीं भी जाओगे तो आपको 1-2 घंटा आने जाने में लग जाता है, 2-3 घंटे का एक्सपीरियंस कर लोगे तो फर्स्ट हाफ आपका चला गया, उसी तरह से सेकंड हाफ, तो 2 हाफ में आप तोड़ो। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस सारे इंडियंस करते हैं, वो तीनों एक्सपीरियंसेस आप बाई करोगे तो 5,500-6,000 रुपए में वो सारा एक्सपीरियंसेस आप बाई कर सकते। ये 3 मेजर एक्सपीरियंस क्या है, एक बोलते हैं डाउ क्रूज, क्रीक मतलब दुबई क्रीक जो है वो आपका बुरदुबई और डेरा के करीब जो है, एक बोट का राइड ले सकते हो इवनिंग में, जिसमें आपको बहुत मस्त डांस वांस दिखेगा और आपको डिनर रहेगा, मतलब बफे रहेगा, डिनर रहेगा और नाइट लाइफ जो एक स्काईलाइन दुबई का है वो आपको पूरा दिखेगा। ये एक बहुत ही मस्त वाला एक्सपीरियंस है, एक इवनिंग, एक बहुत मस्त वाला इवनिंग आप स्पेंड कर सकते हो। तो ये तो पहला दिन आप कर सकते हो, दोपहर में भी पहुंच रहे हो या थोड़ा लेट भी पहुंच रहे हो तो ये शाम को जाके आप ये कर लो। क्लूक एक तो बहुत फेमस साइट है जहां से आप मेजर जगह का दुबई का तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, तो एक ट्रायो बोलते हैं, 3 एक्सपीरियंसेस एक साथ बाई कर सकते हो, या आपको डाउ क्रूज बाई करना है 1200-1500 जो भी आपको क्लूक पे मिल जाएगा, ठीक है। और भी साइट देखना है तो गेट योर गाइड है, वायटर है, वायटर पे जाके आप बाई कर सकते हो। तो बहुत सारे वेबसाइट्स है जहां से ये एक्सपीरियंसेस बाई कर सकते हो। शहर जा रहे हो तो सिटी टूर तो करोगे, तो दुबई जो है ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के लिए फेमस है, बहुत फेमस होटल्स बुर्ज दुबई है, सिटी टूर करते हो और फर्स्ट हाफ में करते हो जिसमें आप जो लैंडमार्क्स हैं वो सारा कवर करते हो, अटलांटिस से गुजरोगे वहां फोटोज वोटोज लोगे और फिर लास्ट में बुर्ज खलीफा के वहां भी जाओगे, तो ये सारा आप दुबई सिटी टूर में कर सकते हो। तो दुबई सिटी टूर भी आपको ज्यादा महंगा नहीं होता है, वो भी आपको 2,000-2,500 रुपए का आपको इन सब वेबसाइट्स पर मिल जाएगा जो मैंने आपको बताया। फिर उसका बाद जो एक सबसे ज्यादा दुबई देखो क्या है, डेजर्ट के लिए फेमस है, तो एक डेजर्ट सफारी सारे लोग करते हैं, डेजर्ट सफारी करते हैं, तो डेजर्ट में आप शाम को जाते हो, उसमें भी फिर डिनर रहता है, डांस वांस देखते हो एंड फायर वायर बोन फायर वगैरह होगा एंड वहां पे मतलब यू विल हैव ग्रेट एक्सपीरियंस, मतलब डेजर्ट का एक वाइब है आपको वो मिलेगा और विद म्यूजिक डांस, तो ये तीनों तो आप डेफिनेटली करो। उसके बाद अगर आपके पास और भी बजट है और टाइम है तो बच्चे हैं आपके साथ, अगर फरारी वर्ल्ड में वो बहुत एंजॉय करेंगे तो फरारी वर्ल्ड दुबई से अबू धाबी जाना पड़ता है 125-140 किलोमीटर की दूरी पे है, तो अभी अबू धाबी का डे ट्रिप लगाते हो तो अबू धाबी का डे ट्रिप लगाओगे तो आप पकड़ लो कि 10,000 रुपए पर पर्सन फरारी वर्ल्ड के साथ 8,000-10,000 रुपए और बढ़ जाएगा। फरारी वर्ल्ड में जाओगे तो बहुत सारे राइड्स मिलेगा, बहुत सारे कार्स देखोगे, तो अटलांटिस होटल जैसे बता रहा था तो उसमें एक्वावेंचर लॉस्ट चैम्बर्स करके बोलते हैं, लॉस्ट चैम्बर्स एक्वावेंचर, वो वहां पे जाके समुद्री लाइफ पूरा देखते हो, लाइक अटलांटिस में रह रहे हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। जैसे मैंने बताया कि अभी आपने 3 एक्सपीरियंस जिसको ट्रायो बोलते हैं वो हो गया, उसके साथ आप बुर्ज खलीफा ऐड कर सकते हो। बुर्ज खलीफा ऐड कर लिया, बुर्ज खलीफा के साथ ही जुड़ा हुआ दुबई मॉल है, दुबई मॉल मतलब दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉल है, उसमें कोई टिकट वगैरह नहीं लगता है, उसमें बहुत सारे दुनिया के ब्रांड्स है मेजर वाले, 1200 पता नहीं बहुत सारा जो मेजर स्टोर्स है वहां पे, आप वो एक्सपीरियंस कर सकते हो। और शाम को वहां पे आपका फाउंटेन्स होता है हर 30 मिनट्स में, तो वो आप एक्सपीरियंस करोगे, वहां पे आपका एक दिन तो पूरा निकल जाएगा। और अगर आपके पास थोड़ा बजट है तो आपका बुर्ज खलीफा है, दुनिया का वन ऑफ द हाईएस्ट टावर है, जिसपे आप 124th फ्लोर या 125th फ्लोर पे जाओगे और वहां पे आप डिपेंडिंग ऑन किस टाइम पे जा रहे हो उस बजट रहता 3,500-5,500 अगर शाम के समय जा रहे हो, सनसेट वगैरह देख रहे हो और पूरा दुबई आपको दिखेगा, उसका लिफ्ट भी बहुत फास्ट है, तो आप 124th या 125th लेवल पे जाके आप पूरे दुबई देख सकते हो, वहां का सनसेट देख सकते हो, एक दिन तो ओवरऑल आपका वहां पूरा चला जाना है। तो टोटल मतलब ये 4th एक्सपीरियंस हो गया। आपके पास और भी टाइम है, नवंबर से मार्च अप्रैल तक आपको ये मिरेकल गार्डन खुला रहता है, मिरेकल गार्डन में आप दुनिया के सारे फ्लावर्स प्लांट्स ये सारा देख सकते हो, मतलब केल ह्यूमंगस है, आप ये समझ सकते हो कि दुनिया का सबसे
सबसे बड़ा गार्डन होगा, आप मिरेकल गार्डन जाओगे, वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। अगर नवंबर से अगर सीजन में जा रहे हो तो ये ज़रूर एक्सपीरियंस करो। के अलावा अगर आपके पास और भी टाइम है तो दुबई फ्रेम है, फिर फ्यूचर म्यूजियम है, दुबई कैसा दिखेगा फ्यूचर में, तो फ्यूचर म्यूजियम जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। ये लिस्ट देख लो, बहुत सारे एक्सपीरियंस है डिपेंडिंग ऑन आप किस पर्पज़ से जा रहे हो। डे वन में मैं आपको डे वाइज आइटनरी बताता हूँ, 4 नाइट 5 डेज का। डे वन पे अब आते हो होटल में, चेक इन करते हो, फिर आपके पास फ्री टाइम है, शाम को आप जाके दाओ क्रूज करते हो क्रीक पे। अगर आप मान लो कि मरीना पे ठहर रहे हो तो मरीना पे भी वहाँ पे क्रूज होता है, वो आप क्रूज कर सकते हो विथ डिनर, तो आपका एक दिन निकल गया। दूसरा दिन आप क्या करते हो कि मॉर्निंग में दुबई सिटी टूर करते हो, आप पूरा दुबई का एक मोटा मोटा आइडिया ले लेते हो, वो कर लेते हो। फिर उसके बाद शाम को आप कर सकते हो, सेकेंड हाफ में कर सकते हो। देखो दूसरा दिन डे टू आप क्या करो कि आप सिटी टूर कर लो, और फिर उसके बाद उसी दिन बुर्ज खलीफा शाम को कर लो, बुर्ज खलीफा कर लो और दुबई मॉल में टाइम स्पेंड कर लो। थर्ड डे पे सेकेंड हाफ पे आप चले जाओ डेजर्ट सफारी के लिए, 3:30 बजे आपको पिकअप करके लेके जाएंगे, तो डेजर्ट सफारी पे चले जाओ। फोर्थ डे पे आप चाहो तो मिरेकल गार्डन वगैरह आप कर रहे हो या दुबई फ्रेम कर रहे हो, तो ये सारी चीजें आप इंक्लूड कर सकते हो। या आपके पास अगर मान लो कि और भी टाइम है तो वहां पे एक आर्टिफिशियल आइलैंड है पाम जुमेरा जाओगे, वहां पे मोनोरेल होता है, तो मोनोरेल का टिकट लेके वो एक्सपीरियंस कर सकते हो। वहां पे आपको एटलांटिस और ये सारे होटल्स वगैरह दिखेगा, बहुत अच्छा फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हो। और शाम वगैरह में आपको टाइम स्पेंड करना है तो आप मरीना वगैरह टाइम स्पेंड कर सकते हो। और थोड़ा अगर अच्छे मतलब सीजन पे जा रहे हो, थोड़ा अगर टेम्परेचर डाउन है तो बीचेस वगैरह पे भी जुमेरा बीच वगैरह जुमेरा बीच पे भी क्राउड रहेगा, तो आप जा सकते हो, वहाँ पे जा सकते हो। ओवरऑल अब ये देख लो कि ये दुबई का मोटा मोटा 4 नाइट 5 डेज का ट्रिप हो गया। बजट कितना रहेगा, तो देखो अभी पूरा मैं आपको मोटा मोटा बजट बताता हूँ कि आपका खर्च कितना होगा। खर्च आप ये पकड़ के चलो कि होटल का अगर आप मान लो कि 5,000 रुपए अगर आप सीजन में जा रहे हो, 5,000 पकड़ के चलो कि 5,000 रुपए पर नाइट अगर आप लगा रहे हो और 4 नाइट रह रहे हो तो 20,000 रुपए होटल का लग गया, जिसमें 2 लोग, तो पर पर्सन 10,000 रुपए का होटल का लग गया। फ्लाइट का आपका पकड़ लो 20,000 रुपए लग गया, तो फ्लाइट आपको 20 और होटल 10, 30,000 रुपए हो गया। आपका वीजा का 7,500 रुपए हो गया, तो अराउंड 38,000 यहाँ पे हो गया। फिर वहां पे आप जो एक्सपीरियंसेस करोगे, तो अगर बेसिक ट्रायो करोगे तो 6,500 रुपए पकड़ के चलो वो ट्रायो का आपको पड़ गया, तो 38,000 प्लस 6 हो गया, तो वो आपका 44,000 हो गया, ठीक है, जिसमें आपने एक्सपीरियंसेस कर लिया। उसके साथ आपका ट्रांसफर, जैसे मेट्रो वगैरह ले रहे हो तो ट्रांसफर पकड़ लो मेट्रो में सब मिल मुला के, अगर ये सारे चीजें वो कर रहे हो तो 3,000 रुपए उस पर पड़ गया। तो आपका 38 प्लस 6 तो आपका हो गया 44 प्लस 3 47 हो गया। और खाना का आप एक पकड़ के चलो, ब्रेकफास्ट तो आपका होटल में ही रहेगा, तो खाना का आप पकड़ के चलो कि 1,000 रुपए पर डे का, आप 5 दिन रह रहे हो, 5,000 रुपए वो लग गया। तो आप ये पकड़ के चलो कि 52-54,000 मतलब 55,000 में आप एक का बेसिक मतलब दुबई का एक डिसेंट होटल मतलब बहुत अच्छे होटल में रह के आप 55-60,000 पर पर्सन पे कर सकते हो। अगर आप यही चीज अगर ऑफ सीजन में करोगे तो नॉर्मली ट्रायो के साथ 3 नाइट 4 डेज में 13,500-14,000 रुपए में भी आपका लैंड पैकेज हो जाता है, जिसमें आपको अगर 2 लोग हो तो गाड़ी के साथ सब जगह आपको शेयर्ड गाड़ी पे लेके जाएंगे, लेके आएंगे, तो ये सारा 13,500-14,000 में हो जाता है। फ्लाइट 20,000 रुपए में हो गया, 34,000 हो गया, और उसके साथ खाना का आपको पकड़ लो कि 5,000, तो मतलब ये आपको 40,000 में हो जाएगा अगर ऑफ सीजन में जा रहे हो। 40,000-45,000 रुपए में भी ऑफ सीजन में हो सकता है। अगर आप बेसिकली अक्टूबर से मार्च अप्रैल तक का विंडो छोड़ देते हो तो उसमें 40-45,000 आप 8,000-10,000 रुपए बचा सकते हो। उसके अलावा अगर आपको और भी एक्सपीरियंसेस ऐड करने हैं तो मैं जैसे बताता हूँ कि देखो क्रीक पे जाके आप जरूर मतलब क्रूज जरूर लो, आबरा राइड था, आबरा वहाँ का वो उसका राइड जरूर लो, आपको स्काईलाइन और एक दुबई का फील आएगा, तो आबरा राइड तो जरूर होना चाहिए। देखो अगला जो होता है कि अटलांटिस होटल पे आप जाओगे तो अटलांटिस होटल पे एक एक्सपीरियंस रहता है। अटलांटिस होटल तो बहुत ही महंगा है, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, तो बहुत महंगा होटल है, दुनिया का मतलब कॉस्टलीस्ट होटल में से है। वहाँ पे बेसिकली एक लॉस्ट चेंबर्स एक्वेरियम है, दुनिया के बहुत सारे समुद्री जीव आपको वहाँ पे दिख जाएगा, बच्चे बच्चे हैं तो बहुत मजा आएगा, वो कर सकते हो, उसमें भी हाफ डे आप स्पेंड कर सकते हो। तो दैट, और बेसिकली मैंने फरारी वर्ल्ड के बारे में बताया आपको, तो फरारी वर्ल्ड आप जा सकते हो जो अबू धाबी में है, और आबरा राइड आप वहाँ जा रहे हो तो जरूर करो। थोड़ा और बजट है और अगर आप हनीमून वगैरह जा रहे हो तो वहाँ पे आप लिम्बोजीन हायर कर सकते हो, बहुत
लंबा वाला गाड़ी कुछ एक घंटे से लेके चार घंटे दो घंटे, तो लिम्बोजीन हायर कर सकते हो एंड बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सपीरियंसेस दुबई में हायर कर सकते हो। एक जो मस्त एक्सपीरियंस रहता है जिस तरह से बताया दुबई मॉल में, तो वहां पे दुबई एक्वेरियम और अंडर वाटर जू है, तो वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो दुबई मॉल में, वो भी आपको 5,500 का मिलेगा। तो जैसे क्लूक और इन सब के वेबसाइट पे बताया, तो वहां पे आप सारी चीजें एक्सपीरियंस कर सकते हो। अभी क्या है कि जैसे अगर फैमिली जा रहे हो तो अगर ज्यादा लोग हो तो टैक्सी हायर कर सकते हो। टैक्सी के लिए बेस्ट है वहां पे करीम ऐप है, करीम ऐप आप डाउनलोड कर लो, उसमें बहुत सारे कहाँ खाओगे क्या खाओगे वो सारे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस वगैरह वगैरह, और वहां पे टैक्सी तो इजीली बुक कर सकते। और जैसे बताया कि वहां के जो मेट्रो है वो पूरा सिटी कवर करता है, तो आप वो मेट्रो कार्ड भी ले सकते हो और पूरे दिन का, या एक जोनल कार्ड्स होता है तो वहां जाके आप देख लोगे तो आपको मस्त हो जाएगा। वो सिम का है तो या तो यहां से इंटरनेशनल एक्टिवेट करके कर, या इजीली आपको दुबई में एयरपोर्ट पे ना लेके आप जब आप जाते हो अपने होटल करीब करीब आपको इजीली वहां पे सिम मिल जाता है। तो देखो मैंने आपको पूरा डिटेल में दुबई ट्रिप बताया, होपफुली आपको ये समझ आया हो पूरे ट्रिप के बारे में और अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो जरूर आप थम्स अप दें, और अगर आपको इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना प्लानिंग वगैरह के, तो हम भी ये पूरा ट्रिप प्लान करते हैं, तो ये ट्रिप हमसे भी ले सकते हो एकदम कॉम्पिटिटिव प्राइस में, आपको ये ट्रिप मिल जाएगा। और हमारा प्री परचेज्ड होटल्स और कार्स और ये सारी चीजें रहती हैं, आपको बहुत अच्छा डील्स हमसे भी मिल सकता है, एक्सपीरियंसेस वगैरह भी हमसे सारा ले सकते हो। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा है तो जरूर थम्स अप दें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपके टाइम के लिए।